बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलें वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था। दूसरा भी चिकन यूज़ हो सकता है, लेकिन मेरा बोनलेस था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर दही डालेंगे। लहसुन पाउडर, हल्दी, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और एक अंडा। इसके बाद ये एक अदद नींबू है, इसका रस है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इनके ऊपर लगा लेंगे ये मसाला, ताकि टिक्के हमारे बहुत ही मज़ेदार तैयार हों।
वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखनी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल डाला है। फ्लेम ज़्यादा हाई भी ना हो और लो भी ना हो, मीडियम रखेंगे हम। अगर हम हाई रखेंगे तो हमारे टिक्के बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना कोई ऐसा पॉइंट रह जाएगा जिससे आपके टिक्के खराब हो जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को फुल देखें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसे 6-7 मिनट पकाएंगे एक साइड को। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होटल और रेस्टोरेंट की तरह तैयार हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा मज़े के। अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दिल कह रहा है बस अभी खा ले। आंच हम मीडियम ही रखेंगे। हम फिर से इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे।
ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। टिक्के हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बस दिल कर रहा है अभी से खा लें। आपने भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये देखिए कलर भी बड़ा अच्छा आया है और अंदर से बिल्कुल सही पक गए हैं। जब गेस्ट आए तब भी आप उन्हें ये बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए बिल्कुल अंदर तक गल गया है। इसे आप केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।